नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में तरबूज कितना नुकसानदायक भी हो सकता है। जी हाँ, बहुत फायदे हैं इसके, लेकिन कितना नुकसानदायक है उसके लिए कुछ थोड़ी सी चीजें हम आपको बताते हैं। इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, इसका जितना फायदा है उससे ज्यादा इसका नुकसान भी है। और उस नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि आप तरबूज को, सबसे पहली बात तरबूज का क्या करेंगे, एक तो ये है कि आप तरबूज बाहर का कटा हुआ ना खाएं। बिल्कुल भी बाहर का कटा हुआ तरबूज आपको नहीं खाना चाहिए, बिना टाइम के तरबूज नहीं खाना चाहिए। अगर आपने रात को तरबूज खाया है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और तरबूज, अगर आप चावल और तरबूज का बिल्कुल भी मेल नहीं है, ये विरोधी आहार है, दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में कभी मत खाइएगा। और तरबूज उन लोगों को भी नहीं खाना चाहिए जिनको अस्थमा की, जिनको किडनी की, शुगर की प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर लेवल है, इसके अंदर मिठास ज्यादा होने की वजह से उसको उससे दिक्कत हो सकती है। किसी को नजला है, सर्दी जुकाम है, वो ठंडा होने की, इसकी तासीर जो है ठंडी है, तो वो भी आपको नुकसान देता। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बर्फ में रखा हुआ तरबूज बिल्कुल मत खाइएगा। अगर आपको तरबूज खाने का शौक है तो पूरा का पूरा तरबूज लीजिए और आप पानी के अंदर भिगो दीजिएगा उसको कम से कम 1-1.5 घंटा। जब तरबूज ठंडा हो जाए काट कर उसको खाइएगा, और खाने के बाद उसमें पानी 1 घंटे तक बिल्कुल मत पीजिएगा, जहर है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है अगर आपने पानी उसके साथ पिया, हैजा जैसी बीमारी हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है, आप तरबूज खाएं, ठंडा करके खाएं, धूप से एकदम आते हैं तो तरबूज ना खाएं, और ठंडा करने के बाद उसको काट कर उसी वक्त खाएं। काट कर फ्रिज में ना रखें, फ्रिज में रखा हुआ तरबूज खाना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो तरबूज के गुण तो हैं बहुत, लेकिन अवगुण भी हैं बहुत, तो इस चीजों को ध्यान में रखकर आप इस चीज का इस्तेमाल करें, और अच्छा लगे तो इस्तेमाल करें, बुरा लगे तो भूल जाएं भाई। और इस चीज के लिए शुरुआती नेचुरोपैथी चैनल कोई जिम्मेवार नहीं है, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको ज्ञान दें, लेकिन वो अगर आपको सूट करता है तो आप लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो घंटी है उसको जरूर बजाइएगा, और आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है। आप कमेंट्स कर सकते हैं हमें, आप शेयर कर सकते हैं हमें। तो इन सारी चीजों के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।